महिलाओं की समस्या खत्म करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए, धर्मांतरण नियंत्रण करने के लिए कठोर कानून बनाए, घुसपैठ नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए, ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था खत्म करें, मदरसा शिक्षा व्यवस्था खत्म करें, मिशनरी शिक्षा व्यवस्था खत्म करें और भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करें, भारत में पुलिस रिफॉर्म करें, जुडिशियल रिफॉर्म करें, एजुकेशन रिफॉर्म करें, टैक्स रिफॉर्म करें और 1950 से पहले सभी कानूनों को खत्म करें, तब महिलाओं का कल्याण होगा। नया संसद भवन बनाने और महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आने वाले टाइम में संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 1700 हो जाएगी। भारत में कुल 5000 सांसद और विधायक हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद मिला के। इसमें लगभग 33% आरक्षण हो जाएगा। इसका मतलब 1700 सांसद और विधायक महिलाएं होंगी। ये अलग बात है कि कोई जहां उदित राज चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, जहां प्रियांक खड़गे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, जहां उदय निधि स्टालिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, जहां मायावती जी का भतीजा चुनाव नहीं लड़ पाएगा उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र में अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। इसमें बहुत सारी सीटें नेताओं की पत्नी को जाएगा या उनकी बेटी को जाएगा या उनकी बहू को जाएगा। और ये देखा गया है पार्षद और प्रधान में ये व्यवस्था है आरक्षण की, वहाँ यही देखा गया है कि जब पार्षद चुनाव नहीं लड़ पाता उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं या उनकी बहू चुनाव लड़ती है या उनकी बेटी चुनाव लड़ती है। लेकिन फिर भी इससे एक नई क्रांति आएगी, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। लेकिन एक्चुअल में महिलाएं जो परेशान है भारत में, वो परेशान है जनसंख्या विस्फोट से। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। महिला आरक्षण कानून से केवल 1700 महिलाएं सांसद विधायक बन जाएंगी, केवल 1700 महिलाओं का फायदा होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून से कम 17 करोड़ महिलाओं का फायदा होगा, कम से कम 17 करोड़ का। महिलाएं परेशान हैं नशा और शराब से, नशेड़ी पतियों से परेशान है, नशेड़ी बच्चों से परेशान है। तो नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी है, शराब के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी है, नशाबंदी और शराबबंदी लागू करना जरूरी है अगर हम महिलाओं का कल्याण करना चाहते हैं। तो महिलाएं जो परेशान है वो घटिया संस्कार से परेशान है। तो वास्तव में अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो हमें फिर से वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहिए, फिर से 16 संस्कार जो भारत में थे उनकी शुरुआत करनी चाहिए, उसको प्राइमरी के सिलेबस में डालना चाहिए। महिलाएं परेशान है स्वास्थ्य से, अगर उनका कल्याण करना है तो हर गांव में एक योग मित्र अपॉइंट करना चाहिए और समान चिकित्सा व्यवस्था लागू करना चाहिए। अभी हर चीज़ के लिए एलोपैथ पे जाना पड़ता है। एक योग मित्र होगा हर गांव में, महिलाओं को योग सिखाएगा, प्राणायाम सिखाएगा, अष्टांग योग सिखाएगा, उससे महिलाओं का कल्याण होगा। महिलाएँ जो परेशान हैं वो परेशान हैं घटिया कानूनों से, महिलाएँ परेशान हैं घूसखोरी से, महिलाएँ परेशान हैं जमाखोरी से, महिलाएं परेशान हैं मिलावटखोरी से, महिलाएं परेशान हैं कालाबाजारी से, महिलाएं परेशान हैं नशा तस्करी से, महिलाएं परेशान हैं मानव तस्करी से, महिलाएं परेशान हैं घटिया न्यायिक व्यवस्था से, महिलाएं परेशान हैं घटिया पुलिस व्यवस्था से। अभी महिलाओं की इतनी हिम्मत नहीं कि पुलिस पर जाके मुकदमा दर्ज करा सके बिना पति के या बिना अपने बेटे के साथ, अकेले हिम्मत नहीं पड़ती। कायदे से पुलिस स्टेशन को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए, लेकिन वो प्राथमिक भय का केंद्र है। पुलिस स्टेशन एक भय का केंद्र है, ईमानदार आदमी वहां जाता नहीं, पुरुष नहीं जाता, महिलाएं कहां से जाएंगी। तो वास्तव में अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन को नाम बदल के इसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित करना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म करना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू करना चाहिए, ये कंपलसरी करना चाहिए कानून बना के कि शिकायत मिलते ही 1 घंटे के अंदर FIR होगा, शिकायत मिलते ही 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी। महिलाएं परेशान है तारीख पे तारीख से, पति जाता है हर महीने तारीख तो उसमें महिला भी परेशान होती है, बेटा जाता है तारीख पे तारीख तो महिला भी परेशान होती है, माता भी परेशान होती है। तो वास्तव में अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहिए, जुडिशियल चार्टर लागू करना चाहिए, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होगा इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही एक अपीलेट कोर्ट बनाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिवीजन बेंच बनाना चाहिए। अभी हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवीजन बेंच नहीं है, हर चीज के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। क्यों हाईकोर्ट जाना? अरे मजिस्ट्रेट ने कोई फैसला दिया,
या सेशन जज ने फैसला दिया, हर जिले में एक डिवीजन बेंच बना दीजिए, हर जिले में एक दो जजों की बेंच बना दीजिए, वहीं अपील हो जाएगी, वहीं निस्तारण हो जाएगा। कायले हाई कोर्ट तक जाना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, तो जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। महिलाएं परेशान हैं दबंगों से, गरीब महिलाओं की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। तो वास्तव में अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना चाहिए। जमीन पे कब्जा करने वालों को 10 से 20 साल की सजा देने का कानून बनाना चाहिए। अगर कोई जमीन पे कब्जा कर ले और मुकदमे के बाद ये तय हो गया कि इसने अवैध तरीके से कब्जा किया, तो उसके ऊपर एक तगड़ी पेनल्टी लगाना चाहिए और वो पेनल्टी महिला को दिलवाना चाहिए जो पीड़ित है। अगर मुकदमा लड़ने के बाद, 10 साल लड़ने के बाद जमीन अपनी मिल भी गई तो मिला क्या, दबंग तो उस जमीन को यूज करता रहा। तो इसलिए कह रहा हूं जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। महिलाएं परेशान हैं अवैध घुसपैठ रोहिंग्या बांग्लादेशी, 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं, वो भारत के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। अब भारत, जो रोजगार भारतीयों को मिलना चाहिए था वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को मिला हुआ है। पूरा जितना कंस्ट्रक्शन में काम, लेबर का काम, सरिया बनाने का काम, कूड़ा हटाने का काम, सारा काम वही कर रहे हैं। वो 5 करोड़ अगर घुसपैठिए चले जाएं तो 5 करोड़ भारतीयों को उसको वो रोजगार मिल जाएगा, 5 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिल जाएगा, तब महिलाओं का कल्याण होगा। महिलाएं परेशान हैं धर्मांतरण के कानून से। अभी चूंकि केंद्रीय स्तर पर धर्मांतरण के लिए कोई कठोर कानून नहीं है, तो उनके पतियों को, उनके बच्चों को लालच देके, धोखा देके, फरेब के जरिए धर्मांतरण करा दिया जाता है, उससे महिलाएं परेशान हैं। महिलाएं परेशान हैं सोशल मीडिया पे जो फेक अकाउंट चल रहे हैं, गलत नाम से सोशल मीडिया अकाउंट करके दोस्ती बनाई जाती है, दोस्ती चलती है, पता चला शारीरिक संबंध बन जाते हैं, फिर बेटियों को पता चलता है कि सामने वाला तो कुछ नाम तो कुछ और था। तो जो फेक सोशल मीडिया अकाउंट है इनको खत्म करने के लिए एक नियम कानून बनाना चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट को मोबाइल से लिंक करना चाहिए और सोशल मीडिया अकाउंट में वही नाम होना चाहिए जो मोबाइल पे है, और मोबाइल को आधार से लिंक करना चाहिए, यानी जो नाम आधार में है वही मोबाइल पे होना चाहिए और जो नाम मोबाइल में है वही सोशल मीडिया में होना चाहिए। बड़े आराम से कोई आदमी फेक अकाउंट बना ही नहीं पाएगा। जो अभी दुनिया भर के फेक अकाउंट से पता चलता है कि 1-3 साल दोस्ती चलती है और वो सोनू बन के दोस्ती करता है और नाम उसका कुछ और होता है, अमर बन के दोस्ती करता है नाम कुछ और होता है, ये जो फेक अकाउंट चल रहा है इसको बंद करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम वास्तव में महिलाओं का कल्याण करना चाहते हैं तो पर्सनल लॉ खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। पर्सनल लॉ से हमारी बहन बेटियां परेशान है। 1872 के क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से क्रिश्चियन महिलाएं परेशान है, 1836 के पारसी मैरिज एक्ट से पारसी महिलाएं परेशान है, 1937 के शरीयत एक्ट से मुस्लिम महिलाएं परेशान है। तो जो अंग्रेजों को, अगर महिलाओं का कल्याण करना है तो सभी अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना चाहिए। 1950 से पहले बने जितने अंग्रेजी कानून सबको खत्म करना चाहिए। महिलाओं को कल्याण करने के लिए पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स चार्टर लागू करना पड़ेगा, इसी तरीके से एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा। महिलाओं को कल्याण करना है तो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था खत्म करिए। इस मैकाले की शिक्षा व्यवस्था केवल डॉक्टर इंजीनियर तो बना रही है, परिवार को तोड़ रही है। महिलाएं परेशान हैं, परिवार एक परिवार हो ही नहीं पा रहा है। बेटा किसी और धारा में जा रहा है, बेटी किसी और धारा में जा रहा है, पति किसी और धारा में जा रहा है। जितना व्याभिचार बढ़ा है, जितना परिवार में टूट फूट हो रही है, इसका मूल कारण घटिया शिक्षा व्यवस्था है। तो महिलाओं का कल्याण करना है, इस मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करिए, मदरसा शिक्षा व्यवस्था को खत्म करिए और मिशनरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करिए, भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, तब जाके परिवार एक होगा, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। महिलाओं का अगर कल्याण करना है तो बियर बार बंद करिए, हुक्का बार बंद करिए, सुट्टा बार बंद करिए, ये मॉडल वाइन साहब जो जगह जगह खुल रही है इसको बंद करिए, ये देसी शराब का ठेका बंद करिए। महिलाओं को जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ये हुक्का बार, ठुक्का बार, सुट्टा बार और जो बियर बार और मॉडल वाइन साहब से आ रही है। महिलाओं को जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो स्कूल और कॉलेज के पास गांजा बिक रहा है, चाय की दुकानों में गांजा बिक रहा है, अफीम बिक रही है, बेटा जा रहा है स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए, वहां से गांजा पी के आ रहा है, चरस पी के आ रहा है, अफीम पी के आ रहा है, तो नशे का कारोबार रोकिए। इस महिला आरक्षण से केवल 1700 महिलाओं को संसद विधानसभा में जगह तो मिल जाएगी,
लेकिन और महिलाओं की कोई समस्या ठीक नहीं होगी। तो महिलाओं की समस्या खत्म करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए, धर्मांतरण नियंत्रण करने के लिए कठोर कानून बनाए, घुसपैठ नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए, ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था खत्म करें, मदरसा शिक्षा व्यवस्था खत्म करें, मिशनरी शिक्षा व्यवस्था खत्म करें और भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करें, भारत में पुलिस रिफॉर्म करें, जुडिशियल रिफॉर्म करें, एजुकेशन रिफॉर्म करें, टैक्स रिफॉर्म करें और 1950 से पहले सभी कानूनों को खत्म करें, तब महिलाओं का कल्याण होगा।